एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 2 अक्टूबर एक और दिन हमें कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिस के लिए. तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर आपको 1869 आपको पता है वाज गांधीज बर्थडे, राइट. तो अगर मैं देखूँ कौन सा दिन था, तो ये नंबर एक करेंगे 1869 यानी कि 1800 प्लस 68 पूरे साल है 1868 प्लस 69 का 2 अक्टूबर. तो 1800 को फिर हम ब्रेक करेंगे फर्दर, 400 साल में पूरी तरह ज़ीरो हो जाती है, तो 400, 800, 1200, 1600 में पूरी तरह ज़ीरो होगी. 200 साल में कितने दिन होते हैं? मैंने आपसे कहा है 100 साल में 5 होते हैं, 200 साल में 3 दिन होता है, सो 3 हो गया. अगर 68 ईयर्स की बात करूँ तो 68 ईयर्स में 17 ईयर्स 4 से अगर डिवाइड दूँ 68 को तो कोशेंट आती है 17. तो मतलब जो कोशेंट आएगी उतनी ही लीप ईयर होगी, यानी कि 17 लीप ईयर है और 51 ऑर्डिनरी ईयर है. तो कितने ऑड डेज होंगे? तो हम कहेंगे 68 ईयर्स तो पूरे 68 डेज तो होंगे ही होंगे, और 17 लीप ईयर्स के एक एडिशनल डे लेना पड़ेगा, तो और कितना दिन हो गया? 17 एक्स्ट्रा डेज प्लस 2 अक्टूबर. अब हम 2 अक्टूबर तक कैलकुलेट करते हैं. तो 2 अक्टूबर तक कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होता है, जैन के कितने दिन होते हैं? जैन के होते हैं 3. फेब के, चूँकि 1869 है विच मीन्स इट इज़ अ नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 0 डेज होते हैं. मार्च में कितने दिन होंगे? 3 दिन. अप्रैल में कितने दिन होंगे? 2 दिन. मई में कितने दिन होंगे? 3 दिन. जून में कितने दिन होंगे? 2 दिन. जुलाई में कितने दिन होंगे? 3 दिन. अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 2. और जो ही हमारा 7 का ब्लॉक्स आता जाए तो उसे हम कैंसिल करते चलेंगे. तो अगर मुझे ये दोनों नंबर्स थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, 68 प्लस 17 85. अब मैं 85 को अगर मैं 7 से डिवाइड देता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर 1 आता है, यानी कि 85 दिन के बदले मैं एक सीधा 1 डे लिख सकता हूँ यहाँ पे. और जहाँ जहाँ 7 आता जाए उसको मैं कैंसिल करता चलूँगा, जैसे कि 3 और 2 5 और 2 7, इसका कोई मतलब नहीं है. 3 और 2 5 और 2 7, इसका भी कोई मतलब नहीं है. 3 और 1 4 और 3 7, इसका भी कोई मतलब नहीं है. जहाँ जहाँ 7 आते जाए वहाँ वहाँ कैंसिल करते चले, बिकॉज वो वीक पूरा ख़त्म हो गया. तो अब क्या क्या बचा है? अब सिर्फ बचा है ये 3 और ये 3, यानी कि कुल मिला के कितने दिन बचे? 6 दिन बचे. तो 6 दिन मतलब 6 का क्या कोड मैंने आपसे बताया था? सैटरडे. यानी कि गांधी वॉज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 वॉज अ सैटरडे. होप दिस एग्जाम्पल मेक्स यू क्लियर अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द डेज ऑफ विच डे फॉल्स ऑन विच डेट और विच डेट फॉल्स ऑन विच डे. मैं आपको कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूँ. सपोज मैं आपसे पूछूँ आज कि 25 मई 2015, आज है मंडे, तो 25 मई 2016 को कौन सा दिन होगा और 25 मई 2014 को कौन सा दिन हुआ होगा, राइट. तो टुडे इज मंडे. अब इसमें हमें उतनी ऑड डेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. हम देखेंगे एक पूरे साल में एक ऑड डे होता है, यानी कि टेक्निकली मंडे से एक दिन और बढ़नी चाहिए, ट्यूसडे होनी चाहिए. लेकिन जब 2016 हम पहुँचते हैं 25 मई को, तो हम फरवरी वाला साल भी पार कर चुके होंगे और फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, यानी कि एक ऑड डे तो पूरे साल का होगा ही होगा और एक एक्स्ट्रा डे फरवरी का भी लेना पड़ेगा. चूँकि हमने फरवरी को क्रॉस किया है तो हमें एक एक्स्ट्रा डे और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मंडे से 2 दिन आगे. तो मंडे से 2 दिन आगे कौन सा होगा? वेडनेसडे. 25 मई 2014 से 25 मई 2015, अगर 25 मई 2014 से 2015 गए हैं तो हमने एक ऑर्डिनरी पास किया होगा, यानी कि सिर्फ एक दिन आगे बढ़ने से ही होगा. तो अगर 25 मई 2015 को मंडे है तो श्योरली एक दिन हमें पीछे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा संडे. सो सिमिलरली अगर मैं कहूँ 25 मई 2017 को कौन सा दिन होगा, हम कहेंगे थर्सडे. 25 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे.
25 में 2019 को कौन सा दिन होगा? सैटरडे। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते चलेंगे। तो सवाल आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 25 में 2015 को अगर मंडे है तो मैं भी पूछा जाता है 26 में 2016 को कौन सा दिन होगा, देन इट इज़ थर्सडे। तो इसी तरह से हम डेज कैलकुलेट कर सकते हैं और उस ऑड डेज वाले कंसेप्ट को यूज़ करके। दिस क्लियर्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर्स।